में छात्रा को गैंगरेप का शिकार बनाने वाले दो आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। इस वारदात ने पूरे जिले में सनसनी मचा दी थी, लेकिन पुलिस ने एक दिन के अंदर ही आरोपियों को दबोच लिया। देखिए ये रिपोर्ट। कोतवाली गैंगरेप केस के तीन आरोपी गिरफ्तार। सलाखों के पीछे पहुंची दो आरोपी, तीसरे के नाबालिग होने की कराई जा रही तस्दीक। वारदात में पूरे इलाके में मचा दी थी सनसनी। बलरामपुर के कोतवाली इलाके में नाबालिग छात्रा को गैंगरेप का शिकार बनाने वाले दलितों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जबकि तीसरे आरोपी की उम्र की तस्दीक कराई जा रही है, क्योंकि उसके नाबालिग होने की आशंका है। इस वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला कर रख दी थी। शहरी छात्र गई थी, शाम को जब लौट के आ रही साढ़े सात बजे करीब, तो दो आरोपी लड़के हैं उसको उठा नहीं गए थे, एक लड़की भी छोड़ दिए थे, वो मतलब बज गई थी और भग गई थी उस झटका लेके। तो उसमें अभी FIR हुआ, बच्ची का मेडिकल सब हुआ है। वारदात कोतवाली इलाके के शिवगढ़ी मंदिर के पास हुई थी, जब मंदिर से लौट रही छात्रा को जबरदस्ती बंधक बनाकर तीनों आरोपी ने गैंगरेप को अंजाम दे डाला था। वारदात की सूचना मिलने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने तत्काल अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की और घेराबंदी करते तीनों आरोपी को दबोच लिया था। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि छात्रा मंदिर से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में दो आरोपियों ने उसे रोक लिया और डरा धमकाकर जबरन अपने साथ बाइक पर बिठा कर ले गए। 19 तारीख को इस वारदात पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अगले दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद दूसरा भी पुलिस के हाथ से चढ़ गया। आरोपी पिंटू ठाकुर अभी दहेज में दोनों गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी अभी मिल गया है जो अभी वो मतलब नवाली है, उसका भी दस्तावेज कर लिया गया है, वो भी शिनाख्ती का भी बचा उसका। इस केस में गिरफ्त में आए दो आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जबकि तीसरे आरोपी का मेडिकल परीक्षण व अन्य जांच के बाद अदालत के सामने पेश किया जाएगा, ताकि उसे भी जेल भेजना या बाल औपचारिक केंद्र पर फैसला हो सके। हवालात के लिए बलरामपुर से सुनील पासवान की रिपोर्ट। छतरपुर में आए दिन किसी न किसी मोहल्ले में